पूरे देश ने पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या हुआ और इससे बीजेपी का चरित्र जो है वो सामने आ गया। नैरेटिव इसलिए सही, मेरी मेरी वर्बल लिंचिंग तो हाउस के अंदर हो गई और सांसद ने हाउस के अंदर धमकी भी दी कि बाहर भी देखूंगा, और अब बीजेपी के दूसरे सांसद जो है ये बेबुनियाद आरोप लगा करके नैरेटिव सेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वर्बल लिंचिंग आपने अंदर करा दी, अब आप बाहर कराना चाहते हो, बस इतना ही फर्क है। ये साबित करते हैं बीजेपी पार्टी से नफरत की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। और ये मोदी जी और साथ उसके सारे सरकार और नया संसद भवन को लेकर जिस तरीके से बाबा करने का प्रयास किए थे, उसके पीछे क्या है, उनकी असलियत क्या है, उनकी मकसद क्या है, ये साबित हो जाते हैं। जहां ये क्या क्या दर्शाता है, ये सारे हमारे सत्तारूढ़ पार्टी की ये नीचता को दर्शाते हैं, ये मैं जरूर मानूंगा। जिस तरीके का जहर उन्होंने पूरे देश में घोला है, वही जहर हमें नए पार्लियामेंट में एमपी के रूप में हमें सुनने को मिला। दुर्भाग्य इस बात का है कि जब सभी ने इसके बारे में आउटरीच किया है, तब जाकर स्पीकर ने उनको चेतावनी दी है। आपको ध्यान होगा, अधीर रंजन चौधरी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो उनको अनपार्लियामेंट्री लगा, उनको सस्पेंड कर दिया गया। इतनी बार राहुल गांधी जी जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उससे ये लोग आपत्ति जताते हैं। यहां पर हेटफुल स्पीच हुई है, डिविसिव स्पीच हुई है, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बस ये कहा गया है दूसरी बार मत करना। उस वीडियो में साफ दिख रहा है किस तरीके से रविशंकर प्रसाद जी हों या डॉक्टर हर्षवर्धन जी हों, उनकी शब्दों पर हंस रहे थे। क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? द वार्निंग इज नॉट गुड इनफ, ही इज अ फ्रीक्वेंट ऑफेंडर। And I have written, and the Trinamool Congress has written to the Honorable Speaker, we are moving a privilege motion against him. This is no way to behave. Even 2 days ago, he had heckled my colleague and my friend, who's a senior member of Parliament, Shri Kanimozi ji, and she had not even started her speech. Before she started her speech on the Women's Reservation Bill, she was attacked by the BJP. She's not even opened her mouth. Is this a democracy? So even somebody is trying to debate, which is her right according to the constitution, if you are going to attack a woman who's speaking on the debate and she's going along with the government, she was speaking with the government, and the same member of the Bharatiya Janata Party has attacked this woman. I condemn any such unruly behavior, and the privilege motion must be moved, and I have done it, and I would request other people. Haqeeqat ye hai ki Danish Ali ke saath jo kuch hua, hum ye samajhte verbal lynching hai, ये वर्बल लिंचिंग है। जैसे सड़कों पर लिंच करते हैं ना लोगों को, ये पार्लियामेंट में वर्बल लिंचिंग है, और उसकी सख्त सजा हमारे देश के कानून है गिरफ्तारी। हम ये मानते हैं कि कोई एमपी को इसकी प्रिविलेज नहीं हो सकती है, कतई प्रिविलेज नहीं हो सकती है कि वो वर्बल लिंचिंग करे, सांप्रदायिक वर्बल लिंचिंग करे, ऐसे गंदे शब्द अपने कॉलीग के बारे में, क्योंकि उनका एक विशेष धर्म है इसलिए दे और गिरफ्तार न हो। एक तो ब्रिजभूषण शरण है, आज पुलिस का पूरा आ गया है, ये सीरियल सेक्सुअल ऑफेंडर है, ये नारी शक्ति का प्रमाण है और ये संविधान का ये सबूत है कि ब्रिजभूषण और अभी ये बिधूरी, इस टाइप के लोग बीजेपी की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या मैसेज दिया जा रहा है? लेकिन पहले दिन गाली गलौज हो गई तो संसद की गरिमा ही खत्म हो गई पहले दिन, और प्रधानमंत्री चुप है, संसदीय कार्य मंत्री चुप है, गृह मंत्री चुप है, तो क्या है ये, गुंडों का अड्डा बना दिया क्या आप लोगों ने? वो जो इस तरह की भाषा का जो संसदीय संसद में प्रयोग किया गया, ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जितना निंदा की जाए वो कम है। वो उन्होंने अपनी बात रखी है कल, नो कमेंट है, वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं।